Hello everybody, in the today's class we will discuss the next part of the important question of the chapter number 16 surface area and the volume from the class 10th RBSC syllabus. So without this wasting the time, let's start from the today's first question, and which is from the exercise 16.3 from 16.4, which is based on the sphere. Question number 8 will be the first question of the today's lecture. 8 spheres of the equal radii are obtained by melting a metallic sphere of the radius 10 cm. Find the surface area of each sphere thus obtained. There will be total 8 small spheres, and after combining all these spheres, one larger one sphere has recasted. Then we have to calculate the area of each type of the smaller surface spheres, and in which the radius of the larger one sphere is equals to 8 cm. So upon you consider kar lete hain, let be the radius of smaller is equals to small r, and radius of the larger इसको कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं, एंड विच इज 8 सेंटीमीटर इज गिवन. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ एवरी स्मॉलर वन स्फीयर. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² होता है. द एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर विल बी 4r square, but for this we need the radius of this sphere. तो radius calculate करने के लिए हमें कुछ conditions जो रखी हैं, वो satisfy करवानी है. इनको melt करके recast किया और उससे ये बना है. It means दोनों का volume जो होगा वो equal होगा. Then volume of 8 smaller sphere is equals to volume ऑफ लार्जर स्फीयर. बात समझ में आई यहां तक? देयर विल बी 8 स्मॉलर स्फीयर्स. 8 × 8 ही है ना, सॉरी 10. स्फीयर 8 है, रेडियस 10 है. 8 × 4/3πr³ इज इक्वल्स टू 4/3πr³. 4/3 कैंसिल बाय 4/3. आर क्यूब इज इक्वल्स टू, अप्लाई द वैल्यूज, आर कैपिटल आर इज 10 × 10 × 10 एंड 8. 2 5 ज़ा देन 4 ज़ा 2 5 ज़ा अगेन 2 ज़ा 2 5 ज़ा एंड 1 ज़ा. आर क्यूब इज इक्वल्स टू 5 cube कैंसिल बाय क्यूब एंड आर इज इक्वल्स टू. नाउ स्टूडेंट, इजीली यू कैन कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर वन स्क्वायर. आर की रेडियस किसकी? इस स्क्वायर की. और हमें पूछा किसका गया है? स्मॉलर वन का, जिसका क्या हो गया 4r, वेयर r इज स्मॉल r. कैपिटल मत ले लेना, कैपिटल लेते तो इसका बन जाना है. व्हाट इट नेक्स्ट. नेक्स्ट गिवन केस इज क्वेश्चन नंबर 13. ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 cm. एक हेमिस्फेरिकल बॉल है and internal radius is 9 cm. ये तो कल की वीडियो में हो गया था, दूसरा करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 ही है, वो 12th का डिस्कस कर लिया. क्वेश्चन नंबर 13 इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 0.7 cm. स्फीयर इज गिवन, उस डायमीटर इज 0.7. Then radius will be 0.7/2. Next thing,
By putting 300 such spheres in a tank full of water, the tank is airtight. Completely find the volume of the water that are flows. मतलब कितना पानी बाहर निकला? पहले क्या था? सिलेंडर पानी का पूरा भरा हुआ था, ठीक है? फिर वो completely बाहर आया, जितना पानी था वो सारा का सारा बाहर आ गया। सारा बाहर आने का मतलब ये हो गया कि आपने कितने स्पेयर्स उसके अंदर डाले हैं? 3000। Then volume of 3000 spheres is equals to volume of the water, जो कि आपका और फ्लो हुआ। पहले तो यहां से रेड डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 0.7 और वी कैन से दैट 7 अपॉन 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर विल बी 7 अपॉन 20 सेंटीमीटर। आई डिवाइडेड दिस वन बाय 2 टू गेट द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। नाउ नेक्स्ट थिंग, सम थिंग्स आर मोर गिवन, और इसकी रेडियस को स्मॉल आर से कंसिडर कर देता हूं। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर विच इज नॉट गिवन, उसको दिया हुआ होना चाहिए। द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। चल देखते हैं, तो ये हो गया, क्लियर नहीं है अभी। चलिए ठीक है, अब देखो कितने टोटल नंबर ऑफ द स्फीयर्स हैं। 3000, आपने 3000 स्फीयर्स उस टैंक में डाले तो सारा पानी बाहर आया। Then volume of water or flows water is equals to volume of 3000 spheres. 3000 डाले तब जितना आया उतना ही पानी था उसमें। Then volume of the water will be 4 upon 3 pi r cube into 3000, clear, cancel 1000, 4 into 22 upon 7 into 7 upon 20, 7 upon 20 and 7 upon 20 into 1000, 7 by 7, 0, 0 and 0, 3 zeros cancel, 2 2s are 4, cancel, 2 1s are 11, then remaining is 11 into 49, 539 centimeter cube. This is the volume of this water which are flowed from the container. Clear? Next. Question number 14. और द नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इजी आप कर लेंगे खुद से। नाउ आई एम स्टार्टिंग द मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 इजी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 16। A cone, a hemisphere and a cylinder. A cone, a hemisphere and a cylinder stands on the equal base and have the equal height. Find the ratio of their volumes. A cone, hemisphere and a cylinder. देखो ये कौन है? Hemisphere and cylinder. क्लियर है? इनकी जो रेडियाई है वो इक्वल है, मींस ये डायमीटर इक्वल है तो इनकी रेडियाई भी इक्वल होंगी। तो ये आर इज इक्वल्स टू आर, गॉट इट? एंड
सेम हाइट, ये एच है तो ये भी एच होगी और ये भी एच. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. हमें इनके वॉल्यूम्स का रेशियो चाहिए. इसका होता है 1/3 πr² h. इसका होता है, इसका होगा देखो रेशियो 4/3 πr³ एंड रेशियो πr² h. ठीक, देखो ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है. r इज इक्वल्स टू h फ्रॉम हियर, r इज इक्वल्स टू h. 1/3 πr² × r रेशियो 4/3 πr³ रेशियो πr² × r. बात समझ में आ गई, जहां है सब वहां पे r हो गया. πr² r³ and r³ कैंसिल, 1/3 रेशियो 4/3 रेशियो 1. नाउ टेक एलसीएम, 1:4:3. सो फाइनली द रेशियो इज 1:4:3. क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is, question number 9. Find the number of bonds of radius 3 cm. Find the number of bonds, radius of the bond is equals to 9 cm. Sorry, 3 cm. And height is 6 cm. Height of bond is equals to 6 cm. By melting a metallic sphere of the radius 9 cm, a radius of the sphere. देखो इसकी r से consider कर लेते हैं, height को h से consider कर लेते हैं, radius of sphere इसको capital R से 9 cm. After melting this sphere and we recast some cones with radius 3 cm, then we have to calculate how many cones we form. Let number of cones is equals to n. Number of cones is equals to n. If there are n cones, then volume of n cones is equals to volume of sphere. क्योंकि content इसी से बने हैं सभी के सभी, तो दोनों के volume क्या होंगे equal. N into cone 1/3 πr² h is equals to 4/3 πr³. 3 cancel by 3 and pi by 5. N into small r is 3. The 9 h is 6. Is equals to 4 × 9 × 9 × 9. 9 cancel by 9. Implies that n is equals to 9 × 9 / 6 × या only 6. 3 3s are, और 4 भी था ना यहाँ पे, ये रहा 4. 3 3s are and 3 2s are, 2 2s are. And n is equals to 9 2s are 18 and 54 cones. So number of cones is equals to 54 that can be made from the this one sphere after melting this one. Okay student, now next question. A village having a population of 4000.
requires 150 liters of water per head per day. A village having a population of 4000 requires 150 liters of water per head per day. It has a tank whose dimensions are given. For how many days will be the water of this tank last? So first of all, we will calculate the volume of the water or the capacity of this tank. So the dimensions, length, breadth and height of the tank. Length is 12 meter, 20 meter. Breadth is 15 meter and height is 6 meter. Then volume of this tank is equals to length, breadth and height. 15 is a 90, 2 is a 180 meter cube. ये इसकी कैपेसिटी आ गई. तो ये मीटर क्यूब में नाउ चेंज मीटर क्यूब इनटू सेंट लीटर देन इन लीटर 1800 1 मीटर क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1000 ऑफ लीटर 1800000 लीटर. बात समझ में आ गई. एंड नंबर ऑफ पर्सन number of persons in the village is equals to 4000. There are total 4000 candidates and per candidate per person required water for the per person will be 1150 liter only. A single person consumed this water per day than 4000 candidate, then the water consumed by 4000 persons in a day is equals to 4000 into 150. बात समझ में आ गई. Let be the number of days that can be survive with this water. Number of days is equals to n. तो ये per day का एंड डेज अपने पास है. तो एंड डेज में वाटर कितने दिन एंड डेज के लिए अपन यदि कैलकुलेट करें तो टोटल कैपेसिटी क्या होगी वाटर की मल्टीप्लाई दिस वन बाय दिस वन एंड विच इज इक्वल्स टू दिस वन. इट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द वाटर एंड दिस इज ऑल्सो द टोटल वाटर एंड एन इंटू 4000 इंटू 150 इज इक्वल्स टू 1800 एंड 000 3 एंड 4 4 cancel and into 4 into 15 is equals to 180 and is equals to 180 upon 60 3 days. Okay student, so it is the answer of this question. Now the next question. Question number 14. And this is the last and final question of this chapter.
The diameter of a metallic sphere is 6 cm. A metallic sphere is given whose diameter is 6 cm. Let's suppose this is a metallic sphere and the diameter is 6 cm. It is melted and made into a wire of the uniform circular cross section. Means इससे क्या बनाया है? Wire बनाया है. और जिसका क्रॉस सेक्शन मीन्स डायमीटर क्रॉस सेक्शन आर इक्वल मीन्स द डायमीटर ऑफ बोथ एंड पॉइंट विल बी इक्वल टू ईच अदर एंड दिस लेंथ इज 36 मीटर. तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 36 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द वायर. ये देखो रिकास्टिंग का केस आया है. इसको मेल्ट किया, रिकास्ट हुआ और ये फॉर्मेट बना. देन इक्वेट द वॉल्यूम दिस वन विद दिस वन. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन रेडियस ऑफ स्फीयर. लेट सपोज कैपिटल आर विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द वायर which is not given and I am considering it in with the small r is not given and the height of wire is equals to h. Now volume of the sphere is equals to volume volume of the cylindrical wire and the volume of sphere we know about it. I am writing here 4/3πr³ where r is capital R. And volume of the cylinder is pi r square h. Pi cancel by pi. Apply all the values. 4/3 capital R is diameter is 6 cm. The radius is 3 cm. Is 3 cm into 3 into 3. Let me check again. डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 3 इज इक्वल्स टू स्मॉल आर इज नॉट गिवन एच एंड हाइट इट विल बी द लेंथ देन वी कैन से दैट 3600 सेंटीमीटर. 3600 3 कैंसिल बाय 3. 4 3 is 12 12 3 is 36. Then 36 cancel by 36. 1 is equals to 100 R square and from here R square is equals to 1/100 and result is 0.01 centimeter. So this is our answer. So finally student, we have completed the today's chapter surface area and volume completely and from the next class we will start a new chapter. Wo kya hoga dekhenge.